बात उठाई जा रही है उससे आपत्ति नहीं है, बात कहां उठाई जा रही है? आप सब तो बड़े बड़े नेता हो, कांग्रेस क्या है? आप ही लोग हो ना, तो आप सवाल जो मौजूद सवाल हैं उसको उस प्लेटफॉर्म पे उठाइए, उस पर बात करिए। और ये नहीं होता है कि गाहे बगाहे छः महीने में कुछ सवाल उठाए और फिर चुपचाप बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। एक फोरम है, आप उसमें बात करिए, उनका अंदरूनी मामला है, हाउ दे रिजॉल्व वो तय करेंगे। देखिए, अव्वल तो ये नई सरकार है नहीं, पहली बात ये शब्द ही गलत है, नई सरकार नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है इस सरकार का और इस सरकार के मुखिया का कि पूरे बिहार ने आपको खारिज कर दिया, पूरे बिहार ने आपको खारिज कर दिया, लेकिन आपको सर्जिकली बिठा दिया गया है। बीजेपी की मजबूरियां होंगी कुछ, जो सबसे मुखर स्वर थे वो नौकरी के लिए थे, संविदा कर्मियों के लिए थे, नियोजित शिक्षकों के लिए थे, जीविका दीदियों के लिए थे, आंगनवाड़ी के लिए थे, रसोईया बंधुओं के लिए थे। उन स्वरों को अगर आपने नहीं साधा, उनकी मांगें पूरी नहीं की, तो किस बात की सरकार? चिराग पासवान एक बार फिर से कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप मुख्यमंत्री नहीं बने, बीजेपी ने बनाया। बिल्कुल मनोनीत, वो तो कहा गया। अब किस प्रकार है? ये तो अपने आप को जेपी लोहिया का ये गांधी की बात करते थे, पुराने मैंडेट को जो संघ मुक्त मैंडेट था उसको संघयुक्त करने का काम किया, और इस बार तो कुछ भी नहीं था, 40 सीट पे निपटे हुए हैं आप, खारिज हो चुके हैं, और उसके बावजूद आप न जाने क्या वजह है, न जाने क्या आपकी मजबूरियां हैं, न जाने कौन सा लगाव है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये राजनीति में, लोक जीवन में कुछ मानदंड रखने पड़ते हैं कि मुझे 40 सीटें आई हैं, मैं माफी मांगता हूं जनता से, मुझे नहीं बनना चाहिए था, ये कहते ना तो थोड़ा बहुत कद बढ़ता, लेकिन कद की उनको चिंता नहीं है, पद की चिंता जरूर है। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार था, या जेडीयू का, या एनडीए का कहेंगे, जो चुनाव प्रचार था वो सुशासन पर आधारित था, लेकिन राहुल गांधी ने एक खबर को ट्वीट करते हुए और सवाल उठाया है कि एक युवती को जिंदा जला दिया गया कैरोसिन डाल करके, और चूंकि चुनाव में नुकसान न हो, जो सुशासन है वो कुशासन के प्रचार में न बदल जाए, इसीलिए इसे पुलिस ने भी दबाने का काम किया। आपका क्या कहना है? मैं समझ रहा हूँ कि जो भी इसके बारे में सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कौन सी सरकार है, कौन सा निजाम है, कौन से दौर में जा रहा है? दबा दिया खबर को सिर्फ इसलिए कि चुनाव का माहौल ना खराब हो? अरे, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के सामने कुछ चुनौती नहीं, उसके कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुजफ्फरपुर से बच्चियों की चित्कार जो शुरू हुई है ना, वो खत्म नहीं हो रही है। कुर्सी पे आप भले बैठ गए, लेकिन कुर्सी के चारों पाए में लोगों की आह है, लोगों के सरोकार हैं, सुनना पड़ेगा।